नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेट मास्टर जी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके पंचायत या गांव में जो भी प्रधान है, चाहे वो सरपंच हो या मुखिया हो, उसके अकाउंट में कितने पैसे सरकार भेजी है आपके गांव के विकास के लिए, वो कैसे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब जानकारी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार आपके गांव के विकास के लिए आपके प्रधान के पास कितना पैसा भेजता है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पैसा भेजता है तो काम करता है या नहीं करता है, इसकी जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं। कितना पैसा वो अपने पास रखता है और कितना विकास के लिए काम करता है, आप ये सब अपने फ़ोन में ले सकते हैं ये सारी जानकारियाँ। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को, मेरे चैनल का पहला वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर सीखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके मुखिया या सरपंच जो भी है उसके अकाउंट में विकास के लिए कितना पैसा भेजा गया है। तो चलिए, एक वेबसाइट को ओपन करना होगा इस जानकारी को लेने के लिए। तो मैं गूगल खोल लेता हूँ, आप भी गूगल खोल लीजिए किसी भी ब्राउज़र में जाके। गूगल पे यहाँ पे आने के बाद आपको एक वेबसाइट का नाम डालना है, उस वेबसाइट का नाम है प्लान प्लस। तो यहाँ पे आपको PLANPLUS प्लान प्लस लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। ये 6-7 मिनट की वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए और ज़रूर ये सीख जाएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सरपंच या मुखिया जो भी है उसके अकाउंट में कितना पैसा मिला है, क्या क्या कामों के लिए, विकास के लिए मिला है, और आपके मुखिया या सरपंच क्या क्या काम कर रहे हैं और किन किन कामों को किया है, सभी तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। तो इसका पेज कुछ इस तरह का नज़र आएगा, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। उसका लिंक क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जिस ऑप्शन पे आपको जाना है वो यहाँ पे नीचे है। देखिए, सिटीजन सेक्शन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर है अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट, यानी जो अप्रूव किया गया है, जो प्लान के पैसे आपके सरपंच या मुखिया के पास भेजे गए हैं, अप्रूव हो चुका है बिल्कुल, उसकी रिपोर्ट आप यहां से ले सकते हैं। ये खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये सेवा खुद गवर्नमेंट दे रही है आपको। तो चलिए, मैं इस पेज को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़र आएगा, तो यहाँ पे अपना एस पी सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका एस पी है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जेट रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको जेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट नज़र आएगा, तो अपना स्टेट पे क्लिक कर दें, इधर साइड में आइए अपना स्टेट के साइड में, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र आ जाएगा। ये बिल्कुल नई साइट है, हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट कभी नज़र नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कुछ अच्छा लेवल तक है तो यहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र शायद नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी ब्लॉक है तो आप अपने ब्लॉक को ज़रूर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, तो अपने ब्लॉक पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, उसके आगे आपको यहाँ पे नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ अगला पेज इस तरह का नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसका नाम यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत आपके जो भी है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, तो आपको उसी पे उसके आगे आपको देखना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जनरल है और एक प्लान, टोटल प्लान, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, टोटल प्लान पे। और यहाँ पे व्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा,
तो व्यू पे आपको क्लिक कर देना। मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे फाइनली देखिए आपके ग्राम पंचायत के विकास के लिए कितने पैसे भेजे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट बता रहा है, 1,61,000, 10,000,000, 10,00,000, 30,00,000 आए हैं मेरे पंचायत के विकास के लिए। और जो मेरे प्रधान हैं गांव के, संपर्क मुखिया कोई भी हो सकता है, वो क्या क्या काम किया है वो यहाँ पे बता रहे। देखिए रोड के लिए इतना आया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतना आया है, यानी सभी के लिए इतना आया है। और नीचे आपको आना है तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि क्या काम कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, सभी जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए अंजू तालाब से यहाँ पे लिखा है 3 की तक ये कुछ तालाब निर्माण का है। यहाँ पे आप पूरी तरह से ले सकते हैं कि आपके एरिया में क्या क्या काम आया, कितना खर्चा हुआ है और किसका किसका आया है, वो भी ले सकते। देखिए यहाँ पर आ रहा है पंगा टाइन में PCC पथ निर्माण। देखिए आपके एरिया में जो PCC आया, तो मैं इस पर ही क्लिक करके आपको खोल के दिखा देता हूँ कि मेरे PCC निर्माण में कितना खर्चा हुआ है और कितना। देखिए यहाँ पे टोटल एडवांस इसके लिए आया था 2 लाख का आया था। देखिए PCC 2 लाख का आया था और जो खर्च हुआ है वो यहाँ पे 2 लाख बता रहा है। मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको बता रहा है प्रोसेस ऑफ वर्क इज़ नॉट स्टार्टेड। यहाँ पे 2 लाख आया है लेकिन वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है, ये भी आपको जानकारी यहाँ से मिल रहा है। अब कुछ दिनों के बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगी। तो अच्छी से हुआ है कि सरकार आपको ये ऑप्शन खुद दे रही है कि आपके एरिया में कितना खर्च हुआ है, उसकी जानकारी आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी मेहनत का फल इसी पर होता है। और सबसे बड़ा बात है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक आप ही करेंगे, मैं तो करूँगा नहीं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेट मिलेगा और मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊंगा।